तो दोस्तों इस वक्त बिग बॉस लाइव फीड में अदनान से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। टेंशन में आने का कारण भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हां साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस इस बार एलिमिनेट करता है, वो भी मिड वीक में। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर कटारिया का नंबर आया था, लेकिन उसमें वहाँ पर उनके दोस्तों ने उन्हें सेव कर लिया था चक्की चला के। लेकिन इस बार अदनान शेख ही यहाँ पर नॉमिनेट है। यहाँ पर वीकेंड पर जो नॉमिनेशन होना था उसमें सभी लोगों को क्या है, बाहर वाले ने या तीनों बाहर वाले ने मिलकर बातें कर उन्हें सेव कर लिया, तो कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन पिछली बार भी यहां पर क्या है, मिड वीक इवेक्शन नहीं हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी ये हो सके। यहां पर इसीलिए क्या है कि जो अदनान शेख है वो ज़्यादा काफ़ी टेंशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब यहां पर कटारिया का नंबर आया था तो उसके दोस्त उसके लिए खड़े हो गए थे। तो इसी मैटर पर वहां पर क्या है, अदनान शेख भी यहां पर साल से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पर बाहर जाने के चक्कर में या नॉमिनेट हूँ तो आप क्या मुझे बचाओगे और क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ पर मेरे को बचाएगा। तो विशाल ने ये जवाब दिया कि हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, नो डाउट, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो यार तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा दोस्त है, अच्छा तो मैं इसमें आपके साथ ही रहूँगा। तब वहाँ पर अदनान बोलता है, चल ठीक है, तू तो मेरे साथ है, क्या वो तुम्हारा दोस्त जो कटारिया है वो मेरे साथ रहेगा। इस बारे में यहाँ पर क्या है, विशाल ने भी जवाब दिया। और विशाल ने क्या कहा, ज़रा सुने आप। विशाल ने कहा कि हाँ भाई, मैंने उससे पूछा था कि भाई तू क्या यहाँ पर कटारिया मेरे साथ अदनान का यहाँ पर साथ देगा जब वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पर विशाल के लिए क्या है, विशाल उसका दोस्त है कटारिया का, तो कटारिया ने यहाँ पर हाँ कर दिया कि हाँ भाई तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब अदनान का साथ भी कटारिया देंगे। तो वहीं पर अदनान भी ये कहते हुए नज़र आए कि भाई क्या बंदा है ये यार, ये तो दुश्मनी भी नहीं रखता, अगर दुश्मनी रखनी है या नहीं रखनी इसका पता ही नहीं चलता है, भाई साहब ये साथ भी देगा और मुझे ये घर के अंदर रखना भी चाहता है और ये मेरे साथ दुश्मनी भी करता है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विशाल के कारण यहाँ पर कटारिया या अदनान के साथ रहने के लिए या अदनान का साथ देने के लिए हाँ कर दी है। तो इस पर साथियों आपकी क्या राय है, क्या कटारिया को यहाँ पर अदनान शेख का साथ देना चाहिए या ना देना चाहिए, आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट।